ड्रामा श्री मायरी के आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे फाहर आमना को आखिरकार अपनी शादी के फैसले के बारे में उसे सब कुछ बता देता है। आमना तो हैरान रह जाती है कि उसके बाबा उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती कैसे कर सकते हैं। आमना फाहर से कहती है, तो क्या तुमने सब घर वालों को मनाने की कोशिश नहीं की कि तुम किसी और को पसंद करते हो? ऐसे में तुम शादी किसी और से कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारे बारे में सिर्फ अपनी अम्मी को बताया था। बाबा को यही लगता है कि उन्हें जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए वो ये चाहते हैं कि मेरी शादी एनी से जल्द से जल्द हो जाए। फाहर, इसलिए मैं तुम्हें एनी से दूर रहने का कहती थी। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा था कि एनी किसी न किसी तरीके से तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेगी, लेकिन तुमने मेरी बात न मानी। नहीं आमना, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं। एनी तो खुद ये शादी नहीं करना चाहती, बल्कि उसके घर वाले भी उस पर जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। फाहर, में कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तुम्हें अपने घर वालों को मनाना पड़ेगा कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने तो अपनी मम्मा को भी बता दिया है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। फाहर आमना की ये बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। मैं तुम्हें कैसे इस बात का यकीन दिलाऊं आमना, कि मेरे घर वाले तो मेरी ही बात सुनना नहीं चाहते। उन्हें यही लगता है कि अगर उन्होंने मेरी शादी करने का फैसला कर लिया है तो वो बिल्कुल सही फैसला कर रहे हैं। जानते भी नहीं कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी तो हमारे पढ़ने की उम्र है ना।